हेलो एवरीवन, केवीएस का फॉर्म आप लोगों ने भरा है। केंद्रीय विद्यालय समिति का फॉर्म भरा जा चुका है। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम के लिए कभी भी जो है अपडेट आ सकता है। तो देखो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अच्छे सीट्स पे निकले हैं। आपने फॉर्म भरा होगा, आपने जिसका भी फॉर्म भरा है ना, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी टेस्ट सीरीज कि आप उसमें कितना टेस्ट सीरीज कवर करके रखे हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर हम लोग बात करें, जैसे पीजीटी टीजीटी में आप देख रहे हो कि आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इस 3 घंटे में 180 मिनट को अच्छे से वही कर पाएगा ना जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसका स्पीड अच्छा है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो इसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मैं देखिए स्पेशली मैं मैथ का टीचर हूँ, बट मैंने आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज अरेंज करवा दिया है। जैसे आप देखोगे कि अगर आप पीजीटी की बात करो, पीजीटी या टीजीटी दोनों, पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी में आपको मैथ का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राइट। फिर आपको फिजिक्स का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बायो का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इंग्लिश का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राइट। अब जैसे जैसे मेरे को और टेस्ट सीरीज मैं कर पाऊँगा तो आप देख लेना, 1-2 दिन में सारे ही टेस्ट सीरीज आ जाएंगे। तो आप चेकआउट कर लेना, सारा टेस्ट सीरीज मैं वहाँ पर आपके लिए लगा देने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप टीजीटी देखोगे तो टीजीटी में भी आपको जो है मैथ का, साइंस का, राइट, ये आपको सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आप इसको देख लेना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या, मेरे टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या फीचर्स है, कितने अच्छे से आप इससे स्कोर कर सकते हो, इसका रेट कितना कम है, ये सब कुछ आप देखोगे, लास्ट तक देखते रहो, राइट। तो टीजीटी में आपको साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, सोशल साइंस का अगर अवेलेबल हुआ तो मैं वो भी बहुत जल्दी आपको दिला दूंगा, राइट। आप जरूर देख लेना, सारे कुछ सारे ही मेरे एप्लीकेशन पे लगेंगे। तो एप्लीकेशन आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली। एग्जैक्टली इसमें वही आपको लोगो मिलेगा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और या तो इसका आपको लिंक मैं दे दूंगा, ओके। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाओ तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसी तरह से पीआरटी के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है मैं वो आपको दे दूंगा, चूँकि इसमें कॉमन पेपर होता है। तो वही जिस फॉर्मेट पे, याद रखिएगा, जिस फॉर्मेट पे आपका एग्ज़ाम होना है ना 2023 में, तो पूरा लेटेस्ट उसी स्ट्रक्चर पे जो है, लेटेस्ट पैटर्न पे कह लो कि पूरा टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, ओके। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आप बहुत कुछ पाओगे ना। जैसे मान लो कि जैसे आप जब टेस्ट सीरीज को देखोगे आप खोल करके, तो उसमें आपको एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएगा, ओके। सब्जेक्टिव टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लो कि आपको जो 180 क्वेश्चंस आपको करने एग्ज़ाम में, तो आपको वो जो है 4 सेक्शन में करने होते हैं, राइट। एक तो आपका होता है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाले से आपको 20 MCQs आते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल अवेयरनेस, वहाँ से आपको कितने आते हैं, वहाँ से भी आपको अभी आपको 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल अवेयरनेस से, या भी आपको 20 MCQs आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि आपको पूछा जाता है एजुकेशन और लीडरशिप से, तो इससे आपको 40 MCQs है। पूरा मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है, सिलेबस भी बता दिया है। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ भी आपका हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, राइट, जिसमें भी आप एग्जाम दे रहे हो, या टीजीटी में दे रहे हो तो मैथ, साइंस, जो भी आपका होगा, तो वहाँ से आपको 100 क्वेश्चन आना है। तो आपको देखो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है, आपके लिए रियली एक अच्छा चैलेंज है। बट सिलेबस आप देखोगे काफ़ी सिंपल है ना, चाहे हम लोग पीजीटी की बात करें तो उसमें 11-12 का सिलेबस, टीजीटी की बात करें तो 9-10 का सिलेबस। तो सिलेबस तो आप पढ़ करके यहाँ तक आए हो, काफ़ी आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपके पास में अच्छा डिग्री है, कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत कुछ आप जानते हो। तो आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत कम दाम में लेकर के आया हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप देखोगे सब्जेक्टिव टेस्ट आपको मिल पाएगा, मतलब 20 मिनट में वहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन लगा हुआ है लैंग्वेज का, चाहो तो वो टेस्ट दे दो आप। और सबके एक से ज़्यादा टेस्ट हैं, 10-10 सेट कम से कम सबके आपके आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे, इस लैंग्वेज के भी, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन के, फिर आपको ये भी 20 मिनट का, जितना क्वेश्चन याद रखिएगा कि चूँकि आपको जो क्वेश्चन दिया है ना 180 क्वेश्चन दिया है, 180 मिनट में करना है। तो आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे टेस्ट में उसमें उतना ही मिनट रहेगा, इससे आप अपने आपको चेकआउट कर पाओगे कि आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो ये आपको फिर एडुकेशन प्लस लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा 40 मिनट में करने के लिए। इसी तरीके से सब्जेक्ट जो भी आपका है उसका 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा 100 मिनट में करने के लिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव टेस्ट देख पाओगे, ओके। सब्जेक्टिव टेस्ट करने के बाद ना आप यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट।
मतलब चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि अब जैसे लैंग्वेज है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसका टेस्ट मिल जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी में भी अलग अलग चैप्टर होता है, उसका टेस्ट मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस का, एजुकेशन का, लीडरशिप का, सब्जेक्ट मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका मैथ है तो उसमें अलग अलग आपको रिलेशन फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्री, कैलकुलस सबका अलग अलग सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फिजिक्स अगर आपका है तो फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रोस्टेट का, राइट, फिर डायनेमिक्स का, तो सबका आपको अलग अलग मिल जाता है सब्जेक्ट वाइज। तो चैप्टर वाइज भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इसको भी आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल टेस्ट मिल जाता है। फुल टेस्ट का मतलब क्या है कि वही टेस्ट जो आपको एग्ज़ाम में देना है, यानी 180 क्वेश्चन का टेस्ट। ये आपको कम से कम 10 सेट में मैंने डाला हुआ है, तो आपको 10 सेट इसका मिलेगा। 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे ए 180 क्वेश्चन के, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिससे आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप अपने रियल टाइम एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करोगे, उसी को फील करोगे, तो आपकी एक हैबिट होगी ना। तो वो जो एक एग्ज़ाम फियर है, जो आपका CBT फियर है कि भाई हमको कंप्यूटर जो है पे देना है एग्ज़ाम, वो सारा कुछ आपका निकल जाएगा। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अब इस एग्ज़ाम को आप चाहो तो लैपटॉप पे दे सकते हो, मोबाइल पे दे सकते हो, तो वो अलग से मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से आप मोबाइल पे या तो आप लैपटॉप पे टेस्ट दे सकते हो, राइट। अच्छा, ये टेस्ट तो आप दे लोगे ना, टेस्ट से आपका क्या आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार आप देख करके देख सकते हो कि मैं क्या स्कोर कर रहा हूँ। टेस्ट के बाद डेफिनेटली आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, राइट। स्कोर तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। पूरा टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है सबका आपका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया है फॉर ईच क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आप जो है अपने आप को पूरा एनालिसिस कर पाओगे कि मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या आया, राइट। ऑल इंडिया में मेरी क्या पोजीशन है, मेरे ऊपर कितने बच्चे हैं, फिर जो टॉपर है उसका क्या मार्क्स है, उससे मैं कितना पीछे रह जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद जो किस सेक्शन में मेरा क्या कमज़ोर रहा, किस सेक्शन में मैं अच्छा रहा, किस में मुझको मेहनत करना है, ग्राफिकल एनालिसिस, सिंबोलिकल एनालिसिस, हर तरह का जो है आप एनालिसिस कर पाओगे, अपने आप को कंपेयर कर पाओगे, ताकि जो आपका कमज़ोर जोन है वो आपको समझ में आ जाए, उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, राइट। तो आप जब अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करके जाओगे ना, और सारे टेस्ट सीरीज को कवर करके जाओगे, याद रखिए क्या कि डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट पैकेज है। किसी में तो आपको 180 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो किसी में आपको 160 प्लस टेस्ट, तो कम से कम तो 150 तो डाला ही गया है, 150 प्लस टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये तीनों मिला करके। और क्या चाहिए भाई, इतना इतना सारा टेस्ट सीरीज है, सोचो उसमें कितना क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके पास में है। तो बहुत ही तगड़ा पैकेज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, मिस नहीं करना इसको। आपने फॉर्म भर दिया है भाई, इतना इतना खर्चा किया आपने, 1500 का फॉर्म भरा आपने, 3000 रुपये का फॉर्म भरा, 2000 का फॉर्म भरा, तो भाई अब इसका रेट क्या है। तो ये तो था मेरा 2000 का पैकेज, याद रखो। कोई भी मेरा जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें आप देख रहे हो कि बहुत कुछ है, कह लो कि एक तरह का बहुत ही अच्छा कोर्स ही है, जिसमें ओनली सिर्फ टेस्ट पे बात किए गए हैं, जिसमें MCQs पे बात किए गए हैं। तो मैंने इसको 2000 सोचा था, बट 2000 मैंने समझा कि सबके लिए जो है अफोर्डेबल नहीं होगा। तो हर एक के लिए जो अफोर्डेबल रेट है, बिल्कुल 500 रुपीज में मैं आपको ये देने वाला हूं। आप 500 में अभी जाओ और खरीद लो और लग जाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे हुए हैं, मज़ा आ जाएगा करने में आपको। जब आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी जो है अच्छी हो जाएगी, तो फिर आपके लिए गोल करना आसान हो जाएगा, राइट। याद रखिए कि इसमें आप अच्छा नंबर ले आते हो ना, तो इसके बाद जो इंटरव्यू है या उसके बाद जो आपको डेमो टीचिंग देना है, तो फिर आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका अच्छा नंबर होगा तो वेटेज में आप ऊपर चले जाओगे, ओके, तो मेरिट में आ जाओगे, इसलिए घबराना नहीं है, राइट। अगर आपका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले मैं सजेशन दूंगा कि आप पूरा कंटेंट पढ़ दो सिलेबस का। अगर आप मैथ का पढ़ना चाहते हो तो मैथ का तो मेरा कोर्स भी है अवेलेबल, आप चाहो तो पूरा कोर्स ले सकते हो, उसमें ये टेस्ट आपको फ्री भी मिल जाएगा। बट मैंने ये पूरा टेस्ट फ्री में लगा दिया है, पूरा टेस्ट मैंने इसको अलग से लगा दिया है, आप चाहो तो इसको अलग से बाय कर लो। और बहुत कुछ है, तैयारी करो, ओके, करते जाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, 1 ईयर की वैलिडिटी है, बार बार करते जाओ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है डेफिनेटली आप एग्जाम में गोल करके आओगे। तो सारी सब्जेक्ट का आप चेकआउट कर लेना, कुछ यहाँ पे मिस है तो लाइब्रेरियन वगैरह का भी टेस्ट सीरीज मैंने जो है अरेंज करवा दिया है, तो सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जाइए, बाय कीजिए और पढ़िए और विन होकर के टीचर बनिए। थैंक यू वेरी मच।